तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि निपुण शर्मा को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। निपुण शर्मा के गिरफ्तार न होने पर भारत से नाराज हुआ पाकिस्तान, यूएन में मुद्दा उठाने का किया ऐलान, भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तिरंगा यात्रा के दौरान गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम को गाय ने सींग मारकर किया घायल, अनन-फनन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ बनाया नया प्लान, अब नए मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फरमानी नाच के समर्थन में आए किसान नेता राकेश टिकैत फरमानी नाच से मिलने पहुंचे उनके घर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जामा मस्जिद पर लहराया गया तिरंगा, मुसलमानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने लव जिहाद कानून को ध्वनि मत से किया पारित, विपक्ष की नहीं सुनी बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। निपुण शर्मा को गिरफ्तार न करने पर भारत से नाराज हुआ पाकिस्तान, यूएन में मुद्दा उठाने का किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगम्बर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को लेकर पाकिस्तान से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपुण शर्मा को गिरफ्तारी आदेश न दिए जाने से पाकिस्तान भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार से नाराज हो गया है और इसने इस मुद्दे को यूएन में उठाने का ऐलान किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने निपुण शर्मा के बयान को लेकर जमकर जहर उगला। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता निपुण शर्मा को गिरफ्तार न करने का फैसला इस्लाम के प्रति भारत की नफरत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को भारत में परेशान किया जाता है, उनकी बातें सुनी तक नहीं जाती हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जहां तक भारत के सुप्रीम कोर्ट का किरदार है उस पर हमारा बहुत कम ही असर हो सकता है, हमारा काम है इस इशू को इंटरनेशनल फोरम में दुनिया के सामने रखना। उन्होंने कहा है कि अब हम दुनिया भर के मुस्लिम देशों के संगठन OIC के सामने इस मामले को रखेंगे और यूनाइटेड नेशन में भी इस मामले को लेकर जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से निपुण शर्मा को लेकर पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तिरंगा यात्रा के दौरान गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम को गाय ने सींग मारकर किया घायल, अस्पताल में भर्ती। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल एक हादसे के शिकार हो गए हैं। गाय ने तिरंगा रैली में घुसकर कई लोगों को घायल कर दिया, जिसमें गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक महसाणा जिले में शनिवार को तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान एक गाय ने गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता नितिन पटेल को टक्कर मार दी। पूर्व डिप्टी सीएम घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके पैर में चोट आई और डॉक्टरों ने गर्म पट्टी लगाई है। जानकारी के लिए बता दें कि पटेल ने जिले के काड़ी कस्बे में तिरंगा यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था और वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। हाथ में उनके तिरंगा था और आसपास लोगों की भीड़ थी। इसी दौरान एक गाय भीड़ में घुस गई। घटना का वीडियो कांग्रेस नेता सरदार पटेल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे एक लाल गाय भीड़ को अनानंद कुचल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात के जो डिप्टी पूर्व सीएम थे उन पर ही हमला गाय ने कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फरमानी नाच के समर्थन में आए किसान नेता राकेश टिकैत। जय दोस्तों आपको बता दें कि हर हर शंभू गाना गाकर चर्चाओं में आने वाली फरमानी नाच का नया वीडियो सामने आ गया है। YouTube से फरमानी नाच का गाना हटाए जाने के पश्चात अब किसान नेता राकेश टिकैत उनसे मुलाकात करने उनके गांव पहुंचे। राकेश टिकैत फरमानी नाच के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गायिका और उनके परिवार से भेंट की। इतना ही नहीं, उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन भी राकेश टिकैत ने दिया। YouTube पर फरमानी नाच ने एक वीडियो साझा किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि राकेश टिकैत जी आज हमारे घर आए तथा कहा बेटी हम आपके साथ हैं, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस वीडियो में फरमानी संग उनके पूरे परिवार को देखा जा सकता है। सभी टिकैत की रात दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात ट्रैक्टर पर राकेश टिकैत उनके गांव पहुंचते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत फरमानी नाच से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि ये भी मुजफ्फरनगर के आसपास की रहने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद कानून हुआ पारित। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सहित बीजेपी शासित राज्यों में धर्मांतरण रोधी विधेयक पास होने के बाद अब हिमाचल की बीजेपी सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मौजूदा धर्मांतरण रोधी कानून में संशोधन वाले एक विधेयक को शनिवार को ध्वनि मत से पारित किया है, जिसमें मौजूदा कानून में सजा बढ़ाने और जबरन या लालच देकर सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने को रोकने का प्रावधान है। विधेयक में कारावास की सजा को 7 साल से
बढ़ाकर अधिकतम 10 साल तक करने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2022 शनिवार को ध्वनिमत से पारित हुआ। विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण का उल्लेख है, जिसे एक ही समय में दो या दो से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तन करने के रूप में वर्णित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो लगातार लव जिहाद कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून ला रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट झूठे मामलों करके जेल में डालने की साजिश रचे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद कानून आज से पारित हो गया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ बनाया नया प्लान, अब इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अब भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को नए सिरे से घेरने की तैयारी में जुट गई है। इस क्रम में कांग्रेस ने 10 और विपक्षी दलों का समर्थन जुटाया है। देश में बीते दिनों हुए बड़े घटनाक्रमों में से केंद्रीय एजेंसियों ईडी की कार्रवाई सुर्खियों में छाई रही, जिसके बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसे लेकर कांग्रेस और 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने शनिवार को कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का विरोध करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, धनबल और मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ लड़ेंगे। इसमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोकदल, वेलफेयर पार्टी और स्वराज इंडिया के नेताओं ने एक प्रस्ताव में ये दावा किया है, मौजूदा केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कांग्रेस समेत 10 अन्य दलों ने बीजेपी के खिलाफ नया प्लान बनाया है और 2024 में चुनाव हराने की रणनीति पे काम करने का भी मन बना लिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को गिरफ्तार करने में जुटी यूपी पुलिस की 8 टीमें। जब दोस्तों आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बाद अब उनके बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही हैं। कई दिनों से फरार चल रहे अब्बास अंसारी को अरेस्ट करने के लिए नखलाऊ कमिश्नरेट ने 8 पुलिस टीमें गठित की हैं, जिसमें 84 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा 4 ACP भी अब्बास की तलाश में लगे हुए हैं। MP MLA कोर्ट ने MLA अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश होने के लिए 25 अगस्त तक की मोहलत दी थी। अब्बास अंसारी की तलाश में लगी 8 टीमों के प्रत्येक टीम में एक इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 7 कांस्टेबल शामिल हैं। इन टीमों का नेतृत्व नखलाऊ की ACP जया संडिल्स, ACP क्राइम पंकज श्रीवास्तव गाजीपुर, ACP राजकुमार सिंह और ACP साइबर सेल दिलीप कुमार करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के बेटे को भी जेल में डालने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है और उनके हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी जहाज को दी इजाजत, मोदी को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने चीन के जासूसी जहाज को अपने हबनटोटा पोर्ट पर रोकने की इजाजत दे दी है। चीनी जहाज युआन बांग 5 एक जासूसी जहाज है। इससे पहले श्रीलंका की सरकार ने भारत के दबाव के चलते इस जहाज को आने से रोका था, लेकिन अब सरकार का फैसला बदल गया। श्रीलंका की लोकल मीडिया ने बताया कि शनिवार को चीन के जासूसी जहाज युआन बांग 5 को अपने हबनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दे दी है। युआन बांग 5 अब निर्धारित समय से 5 दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को हबनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट पर रुकेगा। इससे पहले यह 11 अगस्त को आने वाला था। इस जासूसी जहाज को भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कड़ी चिंता व्यक्त कर दी थी, लेकिन फिर भी मोदी की बात जो है श्रीलंका ने नहीं मानी और श्रीलंका ने बात ना मानते हुए इसे इजाजत दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में तैयार हो रहा है हिंदू राष्ट्र का संविधान, मुस्लिमों को नहीं होगी वोट देने की इजाजत। जब दोस्तों आपको बता दें कि संतों और विद्वान का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। माघ मेला 2023 के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में ये मसौदा पेश किया जाएगा। इस साल फरवरी में आयोजित किए गए माघ मेले के दौरान भारत को अपने खुद के संविधान के साथ एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धर्म संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वाराणसी स्थित शंकराचार्य परिषद के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अब संभवली पीठास्वार के संरक्षण में 30 लोग के एक समूह द्वारा इस संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि संत और जो हिंदूवादी नेता हैं उनको लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है और जिसमें मुसलमानों को वोट डालने की इजाजत भी नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जामा मस्जिद पर लहराया गया तिरंगा, मुसलमानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। या दोस्तों आपको बता दें कि भारत में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। इस मौके पर साईं बाबा की नगरी सिरणी में जामा मस्जिद पर तिरंगा लहराकर सिरणी नगरी के मुस्लिमों ने इनकलाब जिंदाबाद के साथ भारत माता की जय के नारे लगवाए हैं। सिरणी के जामा मस्जिद के सामने मुस्लिम लड़के तिरंगा लेकर खड़े। सिरणी के मुस्लिम लड़कों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इसी को लेकर सिरणी के ग्रामवासियों ने फैसला किया कि हर घर तिरंगा की भांति हर मंदिर हर मस्जिद पर तिरंगा लगाए।
आए। आज हम सभी ने सिरणी के जामा मस्जिद पर झंडा फहराया है। सिरणी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी काका साहेब डोई फोड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से देश भर में हर घर तिरंगा एवं स्वराज महोत्सव, ये दोनों ही चीज़ें मनाई जानी चाहिए। बड़ी अपडेट आ रही है।